के बीच सरकार के निर्देशानुसार सभी राज्यों को आदेश दिया गया कि अपने अपने क्षेत्रों में क्वारंटाइन सेंटर का निर्माण करें। आपको बता दें, इस क्वारंटाइन सेंटर में निर्माण करने के बाद जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं उनको रखा जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा जिला का यह मामला है। वीडियो केना लाल जयलाल साहू प्लस टू उच्च विद्यालय खिरमा क्यूटी क्वारंटाइन सेंटर का है। आपको बता दें कि दरभंगा शहर से खासकर दरभंगा एयरपोर्ट से यह जगह जो है सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर के फर्क में आता है। इस जगह पर यह स्कूल है जहां पर सामने जो दृश्य है वो देख रहे हैं आप। इस जगह पर योगा करवाया जा रहा है लोगों को, जो इस क्वारंटाइन सेंटर में मजदूर रह रहे हैं, जो लोग यहां रह रहे हैं उन सभी को योगा सिखाया जा रहा है। आपको बता दें कि क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे हुए दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों को स्वस्थ रहने और तनाव से मुक्ति को लेकर योग सिखाया जा रहा है। जिला प्रशासन के आदेश के आलोक में दूसरे राज्यों से आए हुए प्रवासी मजदूरों को इस क्वारंटाइन सेंटर में सुबह में स्वस्थ रहने और तनाव से मुक्त करने को लेकर योगा सिखाया जा रहा है, जिससे इन मजदूरों को स्वास्थ्य तंदुरुस्त रह सके। इन सभी मजदूरों को विभिन्न तरह के योगासन सिखाया जा रहा है, साथ ही जिस तरह से हाथ धोना और मास्क लगाना अनिवार्य है, उसी तरह योग से भी कोरोना वायरस को खत्म करने में काफ़ी मददगार हो सकता है। योग से आत्मविश्वास में भी इजाफा होता है। यहाँ सभी लोगों को योगाभ्यास करवाया जा रहा है। Thank you.